नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में गिरावट कब तक जारी रहेगी, कब आपको समझना है कि मार्केट यहां पर थोड़ा स्टे कर सकता है, होल्ड कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी सेंसेक्स में कब तक गिरावट हो सकता है और किस लेवल पर आपको SIP स्टार्ट करनी है, कब आपको मतलब लगना चाहिए कि आप SIP स्टार्ट करना चाहिए। गिरावट कहीं तक भी हो सकता है गिरते हुए, मार्केट में आपको कभी भी ये एजम्पशन नहीं लगाना है कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा ही, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके माध्यम से थोड़ा जानेंगे कि हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस कभी भी 100% सही नहीं होता है, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये हमारा निफ्टी का डेली का चार्ट और इस बोलिंजर पेट के द्वारा भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कब हमारा निफ्टी जो है वो गिरावट मतलब उसमें रुक सकता है। तो डेली चार्ट पे आप यहाँ देख सकते हैं 20 SMA, ये है बीच का जो लाइन है, ये 20 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसको जब क्रॉस करता है समझिए गिरावट मतलब आ गया मार्केट में, और फिर से जब ये ही दोबारा अगर आवरली चार्ट पे हमारा ऊपर की ओर क्रॉस करेगा, इस बीच वाला जो ये 20 SMA है इसको सस्टेन करता है, इसके ऊपर क्लोज होता है आवरली चार्ट पे, इसके ऊपर इस लाइन के बीच वाला जो बोलिंजर बैंड का ये 20 SMA है इसके ऊपर क्लोज होता है, सस्टेन करता है, तो हम समझेंगे कि मार्केट में अब जो गिरावट है थोड़ा होल्ड हो सकता है। लेकिन गिरावट और भी हो सकता है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कभी भी आपको 100% करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन फिर भी जो अगर स्ट्रेंथ आता है इसमें वापस, और इसमें स्ट्रेंथ निफ्टी में वापस आता है, तो निश्चित हम यहाँ पर मान सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर बात करें कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो रिलायंस और HDFC बैंक, इस दो पर ध्यान रखना है। अकेले 20% का कंट्रीब्यूशन है रिलायंस और HDFC बैंक का। अगर 20% जिस स्टॉक का वेटेज है, इस मात्र दो स्टॉक HDFC बैंक और रिलायंस, अगर ये दोनों स्टे कर जाता है, होल्ड कर जाता है, तो निश्चित है कि निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा यह सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर HDFC बैंक मतलब आपका रुक जाता है, तो साथ साथ निफ्टी बैंक को भी रोक सकता है। निफ्टी बैंक अगर अपट्रेंड में रहता है, निश्चित है कि धीरे धीरे वो निफ्टी को भी अपट्रेंड में ला सकता है। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों का बिहेवियर लगभग सेम है। अगर एक मतलब जैसे निफ्टी बैंक में आपने कल तेजी देखा, इसमें गिरावट है, तो अगले दिन जो मार्केट खुलेगा तो हो सकता है या तो निफ्टी जो है निफ्टी बैंक को नीचे ला दे, या निफ्टी बैंक जो है इसको ऊपर लेके चला जाए। तो दोनों का बिहेवियर सेम है, अगर एक ऊपर गया तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, या तो एक ऊपर गया है तो वो नीचे आएगा। तो दो में से कोई एक जरूर होगा कि या तो निफ्टी बैंक कल नीचे आ जाए अगले दिन, या तो निफ्टी ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर आवरली चार्ट पर आपको देखना है, इसके ऊपर सस्टेन करता है ये 20 SMA को, तो निश्चित है कि मार्केट हमारा वहाँ पर थोड़ा होल्ड कर सकता है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का भी चार्ट देख सकते हैं, सेम है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का बिहेवियर लगभग सेम ही है। और यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपको डेली चार्ट में देखेगा ये 20 SMA को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर एक बड़ा गिरावट आया लगातार, एक दिन दूसरा दिन थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड किया मतलब, और तीसरा दिन फिर गिरावट, मतलब तीनों दिन लगातार गिरावट इसमें देखने मिला। और अगर आवरली चार्ट पे देखिएगा तो इसका भी चार्ट पैटर्न निफ्टी के सेम है, ये भी निफ्टी के जैसा यहाँ पर सारा कैंडल आपको देखने मिलेगा। तो ये भी जब इसके ऊपर सस्टेन करता है सेंसेक्स, तो हम इसको भी मान सकते हैं कि गिरावट इसमें रुक सकता है, मतलब रुकावट से थोड़ा होल्ड हो सकता है। वहीं जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक और रिलायंस, उसके चार्ट को देखते हैं, उसके चार्ट पे क्या दिखता है। अभी तो इसमें गिरावट आपको स्पष्ट दिख रहा है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में, कोई भी यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिख रहा है। अगले दिन यहाँ पर अगर गिरावट कंटिन्यू रहा तो निश्चित है कि हम इसमें सेल करने के लिए सोचेंगे, कभी भी बाय करने अभी नहीं सोचेंगे। अगर आपको मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, तो सेल का मतलब जो पुट है या फ्यूचर के सेल का ही आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर बात करें रिलायंस के चार्ट का, तो रिलायंस का चार्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था। रिलायंस जो था पहले, ये जो 200 डे का EMA है, इस पे लगातार सपोर्ट ले रहा था, और अभी जो आप देखते हैं ये 50 डे का EMA, ये काफ़ी नीचे आया है। पहले 50 डे का EMA यहाँ पर हुआ करता था लगभग 2100 के आसपास, तो इसी के बीच में ट्रेड कर रहा था रिलायंस। इस बार ये 200 डे के EMA को ब्रेक किया है, इसलिए 50 डे का EMA जो वो आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 50 डे का EMA मतलब होता है 50 दिन का जो एवरेज प्राइस है, तो 50 दिन का जो एवरेज प्राइस है वो नीचे दिख रहा है, क्योंकि अब जो रिलायंस है नीचे की ओर मतलब ये 200 डे के EMA को ब्रेक कर चुका है, तो अब आपको ये तेजी से मतलब मुड़ता हुआ नीचे की ओर दिखेगा। तो पहली बार रिलायंस जो है यहाँ पर 200 डे के EMA को ब्रेक किया है, लगभग देखते हैं नवंबर से ही यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट यहाँ ब्रेक हुआ, तो देखते हैं कितना रिलायंस नीचे आता है। यहाँ से हो सकता है रिलायंस में एक बड़ा करेक्शन देखने मिले, या फिर यहाँ से ये वापस जो है
जंप करता है, तो इस बात को अगले दिन ट्रेडिंग डे में हम काफ़ी ध्यान रखेंगे। अगर रिलायंस यहाँ से करेक्ट होता है तो फिर इसका जो 1500 है 1600 वही सपोर्ट बनता है, तो यहाँ से 200 से 250 पॉइंट और ये करेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा रिलायंस में इन्वेस्ट करने का। काफ़ी बार मैंने कहा था 1800 पे आएगा तो निश्चित है SIP उसमें स्टार्ट करना है, 1900 पर ये तो अभी आपको 1800 के आसपास मिल रहा है, तो अब SIP इसमें स्टार्ट कर देनी है। अगर यहाँ पर गिरावट होती है कल तो आप रुक सकते हैं या SIP स्टार्ट कर सकते हैं गिरावट पे, या फिर यहाँ पर उससे अगर जंप करने लगता है तो आपको ज़रूर SIP इसमें स्टार्ट कर देनी है, SIP करनी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस और भी नीचे आ सकता है। तो नीचे आएगा तो नीचे में एवरेज करेंगे, ऊपर के प्राइस के लेवल पे एवरेज नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी गिरावट आया है तो SIP स्टार्ट करनी है, नीचे के प्राइस में मिलेगा तो और ज़्यादा हम इसमें बाइंग करेंगे। तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है रिलायंस में इन्वेस्ट करने का। उसके बाद HDFC बैंक देखिएगा डेली चार्ट पे, तो ये अभी 50 डे का EMA जो है इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जो पिछला ट्रेडिंग डे उससे पहले एक ट्रेडिंग डे मतलब 28 जनवरी को ये ब्रेक किया था 50 डे के EMA को, उसके बाद यहाँ पर एक जो तो अगले दिन सस्टेन किया। अब यहाँ से देखते हैं क्या ये नीचे आता है, नीचे आएगा तो ये अगला जो इसका सपोर्ट होगा, अगला सपोर्ट वो होगा ये 200 डे का EMA, या कहें 1245 जो है 1240 ये इसका सपोर्ट बनता है, लेकिन 1245 वही देख सकते हैं इसका 200 डे का EMA भी है। तो सिंपल इसका 200 डे का EMA सपोर्ट है, लेकिन गिरते हुए जो स्टॉक है उसमें सपोर्ट का कोई भी आप गुंजाइश मत कीजिएगा, वो कहीं तक भी गिर सकता है। लेकिन हम एक मान के चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस से यहाँ पर रुकना चाहिए, जो मतलब सपोर्ट लेना चाहिए 1240 तक। अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है गिरावट या यहाँ से फिर से यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट फेक है, क्योंकि ये नीचे का ब्रेकआउट है ऊपर का एक ब्रेकआउट होता है, तो जो लोअर ब्रेकआउट है अगर ये फेक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से इसका सपोर्ट लेवल था, ये देख सकते हैं अपने सपोर्ट को तोड़ा लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दे सका, सिर्फ ये 50 EMA के नीचे क्लोज दिया है। ये जो सपोर्ट प्राइस था इसका 1360 इसको ब्रेक किया लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दिया। अगर 1360 रुपीज को नीचे आ जाता है क्लोजिंग देता है तो फिर आपको 1240 तक ये आता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। तो ये HDFC बैंक का बेस्ट सपोर्ट लेवल, ये दोनों स्टॉक गिरता है तो निश्चित है 20% का वेटेज है तो निफ्टी को भी नीचे गिराएगा। तो आपको निफ्टी में किस तरह से गिरावट आ सकता है इस दोनों स्टॉक के बारे में तो ये आप समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे मार्केट में गिरावट आता है तो अपना SIP जरूर कीजिएगा। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है लगातार वीडियो को देखते रहिए, उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताते रहते हैं। तो अब जैसे मार्केट गिरावट आया है अगले दिन भी आता है तो अच्छे स्टॉक्स के वीडियो एक बार आपको फिर देखने मिलेगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।